अपने समय के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक, हम विनायक राव पटवर्धन की ही बात कर रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी को अमिट पहचान दी। वे मराठी रंगमंच के अभिनेता और गायक भी थे। संगीत शिक्षा में भी उनका सराहनीय योगदान रहा। संगीत पर उन्होंने महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। भारत सरकार के पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे गए इस लेजेंडरी गायक ने आकाशवाणी के लिए अपनी दुर्लभ बात रिकॉर्ड करवाई। दोस्तों, आइए स्वर्निवेश के इस अंक में ये खास तोहफा आपकी नजर। जैसे रामायण पढ़ते थे, रामायण में से कितने उन्होंने ख्याल बिठाए, जैसे करण चहूं रघुपति गुण गाहा, अनुमति मोरी चरिता वगाहा, ये जो एक चौपाई उसको हमीर के ख्याल में बिठाया। आज जनक तनया यह सोई, ये उन्होंने गौर सारंग में बिठाया। उस वक्त रचना करने वाले भी कवि बहुत थे, कम थे। पुराने जितने संत थे, नानक कबीर, भजन भजन बहुत गाते थे, भजन बहुत गाते। मेरा ख्याल है कि 1902 के पहले उनकी 4-5 पुस्तकें एक घंटा गाने की या ऐसी पुस्तकें पंडित जी ने लिख दी। राग भैरव, राग कल्याण, राग मालकंस, राग भोपाली और राग बिहाग अभी भी छपी हुई है। उसके हम यहाँ भी उस समारोह में हम नए प्रति उसके निकाल कोर्स बनाया और कोर्स के माफक हम लोगों को गाना सिखाना शुरू किया। परंतु ऐसे कहीं सारेगम बोलो सरेगम के साथ में गाओ, ये नहीं किया। गुरुमुख से सब सिखलाते थे और गुरुमुख के साथ में कहते थे कि इसका स्वर क्या होगा, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसके लय क्या होगी, इसका ज्ञान करो। एक भैरव का ख्याल जिए रा 1900, ये अपने आप ऐसे बोल रहे थे। और वो गाते वक्त मैं करके दिख रहा हूँ तो हो सकी जिए रा 1900, इसके स्वर हमको मालूम हो गए, हमने गाना शुरू किया।